महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर बना पुल ढह जाने से पानी में बही दो बसों का मलबा नदी से निकाल लिया गया है। नेवी टीम ने नदी से बसों का मलबा निकाला है। नदी से अब तक 26 शव निकाले जा चुके हैं। आपको बता दें कि 2 अगस्त को महाड पुल ढहने से दो बसें और दो कारें लापता हो गई थी। बसों का मलबा पुल से लगभग 170 और 200 मीटर की गहराई में मिला है। महाराष्ट्र के महाड में एडिशनल एसपी संजय पाटिल ने बताया कि पिछले 8 दिन से नदी में गिरी बसों को खोजने का काम जारी था और नेवी टीम ने आखिरकार बसों का मलबा ढूंढ निकाला है। वाकई इस दर्दनाक हादसे को नहीं भुलाया जा सकता। बसों का मलबा भले ही मिल गया हो लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।